जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको आपके प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और एक ब्रेक के बाद आपके साथ हम दोबारा हाजिर हैं। आज का टॉपिक जो है वो भी मैं आपको बताती चलूं कि आज हमारा टॉपिक रहेगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन की, लड़कियों की, बच्चियों की तालीमी सूरत हाल। और इसके लिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम गेस्ट, एक बहुत ही अच्छी इंसान, बहुत अच्छी दोस्त, और इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनका आपसे तारुफ करवाती चलूँ। मिसेस फजर राबिया पाशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन की। अस्सलाम वालेकुम फजर। अस्सलाम वालेकुम सहर, क्या हाल आपका? जी अल्लाह का शुक्र है फजर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी फजर, मैं नाज़रीन को ये बताती जाऊंगी और ये बताना चाहूंगी कि पहले आप इंग्लैंड में बहुत अरसा यहाँ पर रहीं और फिर आपने पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हुए वहाँ पर काम करने के बारे में सोचा और हमेशा से आप बहुत एक्टिव रही हैं। बहुत सारे मसाइल आपने जो है पाकिस्तान के उनको उजागर भी किया। तो फजर, हमारा इस वक्त फोकस जो है वो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर हम यहाँ पर यूके में सुनते रहते हैं न्यूज़ में और सब जानते रहते हैं कि पाकिस्तान में वैसे भी मजमूई सूरत हाल जो है तालीम की वो कुछ इतनी जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए खासतौर पर तालीम के दरवाजे उस तरह से नहीं खुले हुए जिस तरह से खुलने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो ये बात है कि जो एजुकेशन का तो एक काफी ज्यादा क्राइसिस है पाकिस्तान में, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है और उसमें लड़कियों का सिर्फ मसला नहीं है, लड़कों के लिए भी मसला है। अच्छा। पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारे, हम पूरी दुनिया में नंबर दो पे है जब आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान में मौजूद है, हम उसमें दो नंबर पे टॉप पे। अच्छा। तो 25 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में टोटल एजुकेशन में नहीं है, उसमें से ज्यादा जो है 62% जो है उसकी लड़कियों की तादाद है जो एजुकेशन में नहीं है। ठीक। और फिर बाकी लड़कों की तादाद है। बिल्कुल आपकी बात पर, उससे लड़कियों को ज्यादा इशू प्रॉब्लम है, इश्यूज आ जाते हैं, रिलीजियस इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो लड़कियां, लड़कियों को आप मल्टीपल प्रॉब्लम है इन कंपेरिजन टू बॉयज, लेकिन एजुकेशन का जो इशू है वो अक्रॉस द बोर्ड है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। फिर उसके बाद एक मसला और ये है कि 25 मिलियन तो आप वो है जो एजुकेशन में है ही नहीं, स्कूल में नहीं है जी। और फिर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम है स्पेशली इंग्लिश है, वो उसमें जो आपकी एजुकेशन की क्वालिटी है वो इतनी पुअर है कि जो अभी स्टार्ट्स अगर आप देखें, इवन आप जो अभी लेटेस्ट 2016 के स्टार्ट्स हम देख रहे हैं, तो उसमें 5 बच्चों में से जो 1 बच्चा है वो रीड एंड राइट कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख पढ़ सकता है, जो प्राइमरी फिनिश कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें क्लासेस में बेसिकली स्कूल्स में लर्निंग की क्वालिटी इंतहाई पुअर है कि बच्चे पढ़ना लिखना भी नहीं, बाकी तो आप सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको आप टच भी नहीं करते, लेकिन एक बेसिक आपका जो स्किल है जो आपको रिक्वायर्ड है आप आगे अपने स्टडीज अगर अपने कंटिन्यू करनी है वो भी उनको उनको नहीं मुयसर है। तो ये काफी ज्यादा जो है एजुकेशन पे थ्रू आउट आप ये समझ लो कि आप उसमें प्रॉब्लम है, आपको क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो फैसिलिटीज ऑलरेडी है अवेलेबल उनमें फिजिकली फैसिलिटीज को भी अपडेट करने की जरूरत है। फजर, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आप नाज़रीन की आगाही के लिए प्लीज बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में कितने तालीम याफ्ता को कंसिडर किया जाता है एक लिटरेट के तौर पे, यानी कि कौन सी जमात तक को तालीम हासिल की हो तो वो तालीम याफ्ता में शुमार किया जाता है उसको? देखिए, उसको कम से कम आप सेकेंडरी एजुकेशन कम्प्लीट हो तो आप उनको उस दायरे में आप ले सकते हैं कि वो आप उनको कंसिडर करें कि उनको कम से कम बेसिक जो है उनकी नॉलेज, बेसिक उनकी लिटरेसी न्यूमेरेसी जो है वो उनको उस पर अबूर हासिल है, लेकिन आपका बिकॉज वहाँ पे जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल हायर होता जाता है तो आपकी जो प्रॉफिट वो और पोर होती जाती है। तो उसमें हम लोग जो है यहाँ पे अभी भी रिसेंटली क्या किया गया कि उन्होंने रिवाइज किया इसको कि ये किस लेवल तक तो उसको कंसिडर करें, क्योंकि वरना हमारे जो स्टैट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पुअर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खवातीन की लिटरेसी रेट जो एडल्ट वेमेन है 16 प्लस,
उनका ने रिवाइज किया और वो उन्होंने स्टैंडर्ड्स आप समझे कि थोड़े नीचे किए हैं, तो अब हम 48% पे उन स्टैंडर्ड के हिसाब से। अच्छा 48% पाकिस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ सेकेंडरी एजुकेशन पे जो है ज्यादा क्राइसिस है, ज्यादा आपको जो है फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, स्पेशली गर्ल्स स्कूल की। अब आपको खुद देखना होगा कि प्राइमरी तक तो आपको एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है। अच्छा। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन जब आप सेकेंडरी में आप आते हैं तो वो सिर्फ जो स्कूल्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं और बच्चों के स्कूल अलहदे हैं, बच्चों के स्कूल अलहदा होते हैं। तो आपका यहाँ पे क्योंकि 81% स्कूल जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट के, वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। आप ये समझे कि हमारे 81% जो है वो गवर्नमेंट की प्राइमरी स्कूल। ठीक है, ठीक ठीक। तो आगे से प्रोग्रेस, आगे जो अपने बच्चों ने, जो बच्चियां खत्म करती है प्राइमरी एजुकेशन जी, और उन्होंने फिर आगे प्रोग्रेस करना होता है सेकेंडरी एजुकेशन में, तो वो फिर आगे आपके पास स्कूल ही नहीं है इतने ज्यादा की वो सारी बच्चियों को फैसिलिटेट कर सके और इनरोल कर सके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आप जब रूरल एरियाज में देखेंगे कि बच्ची जब एक प्राइमरी एजुकेशन अपना प्राइमरी स्कूल खत्म करती है तो उसके बाद उसको घर बिठा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे नॉर्मली सेकेंडरी स्कूल है ही नहीं इलाकों या दूर जाना पड़ता है उसको। रूरल एरियाज में या बहुत दूर जाना पड़ता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेकेंडरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है या एक यूसी काउंसिल में आपको एक सेकेंडरी स्कूल मिलेगा। तब है कि जो आपके बच्चों पैदल चल के, आपको खुद भी पता है कि जैसे पंजाब है तो उनको इजाजत रहते हैं अब्यूज के, अनफॉर्चुनेट रेप केसेस भी सामने आते हैं। तो ये चीजों को कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इन आपको पता है सेफ्टी इशू में नहीं करते हैं। फिर स्कूल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको मिलता है कि तो स्कूल्स की मैनेजमेंट का इशू है, मेंटेनेंस का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, मॉनिटरिंग का इशू है। तो अक्सर हमें कंप्लेन आती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों से झाड़ू पे करवा रहे होते हैं, सफाइयां करा रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं होती। फिर टीचर्स की तादाद कम है। आपको मोस्ट ऑफ स्कूल अगर आप स्टार्ट से डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि हर स्कूल एक टीचर है। अच्छा। बच्चों की मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी कम से कम तीन टीचर्स की है, चार टीचर्स की है स्कूल के मुताबिक, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्टेन स्पेसिफिकेशन होती है हर स्कूल की। जैसे अगर आप एक प्राइमरी स्कूल अगर गवर्नमेंट खोलती है छोटे गाँव में तो दो कमरों का एक स्कूल होगा, उसमें कम अज कम दो टीचर्स और एक प्रिंसिपल होगी, साथ एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। लेकिन आपको ये मिलता नहीं है कि आपको एक्चुअली इतना पूरा जो उनका स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। की भी एक तो कमी है हमारे पास, ट्रेन्ड टीचर्स की भी कमी है, वैसे टीचर्स की कमी है। आपको एक टीचर आपको मिलेगी उन स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रही है, फिर उस पर के ऊपर भी उन टीचर्स के ऊपर भी कोई मॉनिटर सिस्टम नहीं इन प्लेस, तो वो आती है नहीं आती है, आती है पढ़ाती है नहीं पढ़ाती। तो वो काफी ज्यादा जो है उसमें सिस्टम को इम्प्रूव करने की, स्पेशली मॉनिटरिंग पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों की बड़ी तादाद है और प्राइवेट स्कूल क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि हर गली में हर मोहल्ले में जब मैं भी पाकिस्तान जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे दो कमरों के जो घर है उनमें प्राइवेट स्कूल बना दिए गए। क्या उनका तालीमी मयार ऐसा है कि उसमें बच्चों को इत्मीनान के साथ भेजा जा सके? नहीं, मैं आपको बताऊं कि आपको जो मेजोरिटी आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा खुल गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है तो लोगों के लिए एक बिजनेस है, वो चाहे वो एजुकेशन के बैकग्राउंड से है नहीं है वो स्कूल खोल लेते हैं और वो जनरली होते हैं लो फीस स्कूल, तो 600 से 700 रुपए उसके स्कूल की फीस होगी और वो बच्चों को जो है इनरोल कर लेते हैं। तो वो पेरेंट्स जो अपनी फीस सपोर्ट कर सकते हैं वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि मेजोरिटी पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, और उसका नुकसान ये होता है कि जहाँ अगर इस तरह का प्राइवेट स्कूल मौजूद है
तो वो अपने बेटों को भेज देंगे, तो बेटों पे वो खर्च कर देंगे उनकी तालीम पे, लेकिन लड़कियों पे तालीम पे के ऊपर वो पैसे नहीं खर्च करेंगे। अच्छा, फिर दूसरा इश्यू आपने जैसे पॉलिटी की बात की, उसमें ये है कि कोई भी इवन दो के गवर्नमेंट के फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप हैं जो प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करते हैं, लेकिन गवर्नेंस का बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड हमारा अभी इश्यू चल रहा है पाकिस्तान में और उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आपके ये भी जो छोटे छोटे स्कूल हैं हजारों के हिसाब से स्कूल हैं, यू नो यू टॉकिंग अबाउट जो स्कूल इन पाकिस्तान जो इतना के छोटे छोटे बने हुए, तो इन पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है बिल्कुल भी। वो क्या क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, क्या करिकुलम डिलीवर कर रहे हैं, कोई आपका उस पर जो है ना कोई मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है प्रॉपरली उसको मॉनिटर करने का, उसको इवैल्यूएट करने का कि भी अगर एक स्कूल नहीं परफॉर्म कर रहा प्रॉपरली तो उसको बंद किया जाए। और पेरेंट्स बिकॉज आप ये देखेंगे कि मजबूर होते हैं कि उनको बच्चों को भेजना है कहीं ना कहीं तालीम के लिए, तो वो मजबूरी में भेजते तो हैं लेकिन बच्चा कितना सीख रहा है वहां पर और किस तरह सिखाया जा रहा है, इसका कोई भी जो है ना आप ये समझे कि कोई भी एक एफिशिएंट आपकी मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है अभी इस चीज को मॉनिटर करने के लिए। तो एक तरह से आप ये समझे कि वो जो बेचारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े और बच्चियां भी पढ़े, तो उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाया जाता है कि वो आप खुद बिकॉज हमारे वैसे लिटरेसी रेट इतना कोई हाई नहीं है पाकिस्तान में, तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उन्होंने किस तरह बच्चों की इतनी बच्चों की एजुकेशन मॉनिटर करनी। सिटीज में तो हालात डिफरेंट है कि आपको पेरेंट्स मोस्टली आपको एजुकेटेड मिलेंगे तो उनको पता है कि बच्चा स्कूल गया है तो वो आएगा, होमवर्क करना है, उसको बिठाना है, पढ़ाना है। माएं ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है, लेकिन जहाँ आप छोटे शहरों में चले जाए या विलेजेस में चले जाए तो आपको ये भी प्रॉब्लम है कि खुद माँ बाप को भी अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने किस तरह आपको मेंटेन मैनेज करना है, तो वो सारा का सारा सिस्टम जो है ना बिल्कुल ही आप ही समझे। इसलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है और ये ऐसा इशू है जिसको जितनी जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको एड्रेस करें तो बेहतर है, क्योंकि और 5 साल में 10 साल में हालात फिर और ज्यादा खराब हो जाएंगे, एजुकेशन की क्वालिटी और ज्यादा जो है आप समझे कि डिटेरियट हो गई है पिछले 10 साल में, और इसके ऊपर काम करने की अशद जरूरत है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 2% से ऊपर है और वो ऑन गोइंग है, आपकी जॉब मार्केट अभी स्लो है, आपको जॉब्स रिक्वायर्ड है लेकिन जॉब हम क्रिएट नहीं कर, इतनी हम नहीं क्रिएट कर पा रहे जितनी हमें जरूरत है, और फिर आपके पास इतने ज्यादा ये बच्चे जो है जब एडल्टहुड में आ जाएंगे और वो अनएजुकेटेड भी होंगे और एक आपकी इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी ऐसी नहीं होगी कि जहाँ पे वो ऑब्वियसली जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे और वो पढ़ नहीं लिख नहीं सकते तो उनको कहीं पे नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो एक और ज्यादा जो है मेरे व्यू में कि हम एक और क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं अनलेस कि हम इस चीज को जल्द से जल्द एड्रेस करें। और इश्यू हमारा सबसे बड़ा ये है कि ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा बड़ा है और इतने ज्यादा बड़े स्केल पे है कि इसको मतलब बहुत ज्यादा आपको टाइम रिक्वायर्ड है इन सारे मसलों को हल करने का, ये एक साल का प्लान नहीं हो सकता, ये 2 साल का प्लान नहीं हो सकता, ये आपको पूरा एक डेकेड की प्लानिंग करनी पड़ेगी एजुकेशन की, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, और फिर सेकेंडली जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज जहाँ पे अगर बच्चों के लिए स्पेशली अगर एक स्कूल है तो उसमें टॉयलेट फैसिलिटीज हो, उसकी बाउंड्री वॉल्स हो स्कूल्स के, पानी साफ पीने का पानी होना चाहिए, गर्मियों में बच्चे बेसिक जरूरियात हैं, बिजली के बगैर गर्मियों में बैठे होते हैं पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह टीचर्स उनको फिर पढ़ा रहे हैं उनको यू नो कहीं थप्पड़ लग रहा है तो नहीं लग रहा है, तो ये सारे इश्यूज भी मौजूद है, ये इश्यूज हैं और इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने हमारे पास जो है रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, यूथ हमारा अपना एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, हमारा कैपिटल है, इसको हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है, और साथ में सीपैक की जैसे डेवलपमेंट चल रही है पाकिस्तान में तो नेचुरली आपकी एक जॉब मार्केट बढ़ेगी उसमें आपको मिलेगी, लेकिन अगर हमारे बच्चे ही तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो वो इस चीज से कैसे फायदा उठाएंगे। अच्छा फजर, यहाँ पे एक बात ये कि आप चूंकि बहुत अच्छा आपने इंग्लैंड में भी गुजारा तो आपने देखा यहाँ का भी जो एजुकेशन सिस्टम है, तो आप
कैसे कंपेयर करते हो, आप क्या समझती हैं कि कोई एक लेवल ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बराबर आ जाएगा या कम से कम तकरीबन जो है वहां तक पहुंच पाएगा जहां तक डेवलप्ड कंट्रीज का है? गवर्नमेंट उसके लिए क्या आपको लगता है कह रही है? बिल्कुल, मैं आपको मजे के पीछे बात बताती हूँ कि जैसे पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है राइट, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है ना आप देखेंगे कि डेवलपमेंट है और ग्रोथ है, और उसकी वजह ये है कि एक टाइम ये था कि हम बिल्कुल बिहाइंड थे, हमारे पास 3G 4G भी नहीं था पाकिस्तान बिल्कुल में। और फिर अब हम पर हमारे मुल्क के लिए ताकि वो बाकी दुनिया के साथ मैच कर सके राइट, तो उसके लिए जरूरी है कि हम वो 10 साल आगे जंप लें राइट। हमने बीच वाला प्रोसेस नहीं हमने करना, क्योंकि जो दुनिया कर चुकी है सारी दुनिया में चीजें हो चुकी हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। स्पेशली एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको अफ्रीका में, आपको एशिया में, आप सारे रीजन में आपको बहुत सारी इनोवेशन मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट गवर्नमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स को लेकर आए हैं। आप पोलैंड फॉर एग्जांपल आप कर लें, फिर आप देखेंगे कि रिफॉर्म्स हैं। आप सिंगापुर देखें, अब बहुत सारे आपको कंट्रीज आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे देव आर्ची फ्रॉम 8 पॉइंट 5 ईयर 10 ईयर है, डिपेंडिंग टू वो किस पॉइंट पे स्टैंडिंग थे। तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल पॉसिबल है, ये नहीं है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग जो है उसके हिसाब से रिक्वायर्ड है कि जो अब चीजें हो वो ये ना हो कि हाँ हम फिर कैचअप उसी चक्कर में लगे रहे कि हम क्या अच्छी कर रहे हैं दुनिया के साथ। हमें जरूरत है कि हम प्लानिंग इस तरह करें कि हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें अपने स्कूल्स में स्पेशली राइट, हम अपने जो लर्निंग का हमारी मेथोडोलॉजी है उसको बिल्कुल अप टू डेट करें, हमें कोई और पुराने सिस्टम्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास सब चीजें ये नॉलेज अवेलेबल है, हम एक ग्लोबल कम्युनिटी में रहते हैं, इंटरनेट का टाइम है, ये सारी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है कि कहाँ पे क्या चीज चल रही है और उसका क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम वो चीजें अडॉप्ट करें जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और इसी तरह हम जो है बाकी दुनिया के साथ ये सब्जेक्ट की क्या जैसे दुनिया चल रही है आगे और प्रोग्रेस कर रही है उसी तरह हम दुनिया के साथ मिलकर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं ये आपको बात की थी कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है कि उनको एजुकेशन चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आपको आपको तब्दीली नजर आएगी पाकिस्तान में कि आप इवन विलेजेस में भी आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को ये चीज की ज्यादा अवेयरनेस है कि उनके वहां पे स्कूल्स नहीं है और उनको स्कूल्स चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इलाके मिलेंगे जहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। लेकिन फजर यहाँ पे आपको सिस्टम है बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक जो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं वो तो उसका बहुत कम रोल होता है और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पे ही आती है, लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि आप अगर जाएं हमारी इस वक्त सियासी सूरत हाल की तरफ, उसको अगर हम जाहिर कनेक्टेड है सब चीजें एक दूसरे के साथ, तो क्या हमारी जो सियासत है जो मेन सियासी स्ट्रीम जो है वो ये नहीं चाहती कि कम से कम लोग जो है वो एजुकेटेड हो ताकि उनको शौर ना हो कि उन्हें किसको हुक्मरान बनाना है और किसको नहीं बनाना, क्योंकि जितनी जितना शौर जितनी तालीम बढ़ेगी उतना ही वो जो ना अहल हुक्मरान है या जो जो हुक्मरान ऐसे हैं कि जो हुक्मरान बनने के काबिल नहीं है, इवन सियासी लीडर बनने के भी काबिल नहीं है, उनको पर नहीं आने देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज एक हर्डल के तौर पर भी बीच में रुकावट साबित हो रही है? मैं फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो इश्यू आप रेज करें और ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन इस चीज का फायदा उठाते रहे हैं राइट पिछले ये 10-15 साल में, स्पेशली ये चीज इसी वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम डिटेरियरेट हो गया। लेकिन बिकॉज अब एक हम इंटरनेट से बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसने बहुत ज्यादा काम किए हैं टू मेक श्योर कि इंटरनेट का एक्सेस पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेगा। आप जिस गांव जाएंगे आपको वहां पे 3G 4G आपको मिलेगा, स्मार्टफोन्स आपको बिकॉज पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे आप लोकली मेड स्मार्टफोन्स मिलते हैं जो इंतहाई चीप है। अब एक इंसान आप यहाँ पे आप बिल्कुल एक कॉमन पर्सन कॉमन मैन ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी बंदे को आप यहाँ पे देख लें, बिल्कुल चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन है, उसके पास इंटरनेट है और उसके पास वो इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस है, और यही चीजें जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ गई है पाकिस्तान में कि क्या सही है और क्या गलत है।
और उनको क्या हकूक मिलने चाहिए और क्या उनको मतलब यू नो ये चीजों ये बहुत मैं अक्सर यहाँ पे जो लोकल रेडियो चैनल्स हैं अगर मैं वहाँ पे इंटरव्यू पे जाती हूँ और रेडियो बहुत ज्यादा बेतहाशा सुना जाता है रूरल एरिया में तो इतनी ज्यादा कॉल आती हैं फाटा के इलाकों से बलूचिस्तान से आप नाम लें मतलब कोई भी कोना ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जहाँ से कॉल हम नहीं रिसीव करते और वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है स्कूल बनाओ यू नो डू समथिंग और स्कूल बनाए चाहे वो गवर्नमेंट बनाए कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आके बनाए लेकिन कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए बच्चों को तो ये जो है ये अब जो अपने पॉइंट रेस किया ना ये एक एक टाइम लिमिट ही है उसके ऊपर भी जिसके जिसका ये लोग फायदा हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी आप समझे कि उसका फायदा उठा सकते हैं ये बहुत देर तक ये चीज चल नहीं सकती एक नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ है ऑर्गेनिकली एक अवेयरनेस आपकी जो कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रही है सोशल मीडिया वैसे हमारा जो है बहुत ज्यादा इन है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो देख रहा है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है तो ये चीजें जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो सकती आप ये समझ लें तो पॉलिटिशियंस भी जो जहां तक है उनको उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड डिलीवर करें बिल्कुल बिल्कुल तो ये आपका मतलब आई पर्सनली थिंक ये एक अच्छी चीज है और अगर जिन लोगों को मैं भी काम करना चाहिए था और वो कर सकते थे और वो नहीं उन्होंने किया तो अब उन पर चॉइस नहीं है क्योंकि लोग अब उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं तो अब वो थोड़ा सा जो है आप समझे कि ये अच्छा एक चेंज हमारे मुल्क में आ रहा है और ये इंशाल्लाह ये तब्दीली ऑटोमेटिकली आती रहेगी कोई चाहे ना चाहे अच्छा फजर यहाँ पे एक बात को कोई रोक नहीं सकता बिल्कुल आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि एज इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं देखिए उसमें दो तीन चीजें जो है उसमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है एक तो एडवोकेसी की बहुत जरूरत है और मैं खुद हमेशा इंकरेज करती हूँ प्रमोट करती हूँ कि हम जितना एडवोकेट कर सके एजुकेशन के लिए हर एक लेवल पे आपको ये करने की जरूरत है अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो और आप अपने अपने इलाके के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानते हैं वहाँ पे जो आपकी लोकल असेंबली के मेंबर्स हैं या नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं या आपके वहाँ से कोई सेनेटर है जहाँ आपके ताल्लुक आते हैं क्योंकि माशाल्लाह हमारी ओवरसीज कम्युनिटी जो है काफी ज्यादा वेल लिंक्ड है वेल कनेक्टेड है तो उनको ये ताल्लुकात इस्तेमाल करने चाहिए और उनको उनको पुश करना चाहिए कि ये अपने अपने इलाकों में पॉलिटिशियंस जो है वो उस चीज को लीड लें और अपने इलाके में गवर्नमेंट की फैसिलिटीज जिस तरह होनी चाहिए उनको वहां पे सेटअप करवाया जाए तो ये एक बहुत ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट रोल है जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी है वो चाहे इंग्लैंड में है यूरोप में है कनाडा में है यूएस में है वो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फिर सेकेंडली जो चीज है अब हम जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम वी ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म तो इन इश्यूज को हम मिलकर रिजोल्व कर सकते उसमें हम लोग हमारी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम पार्टनरअप कर रहे हैं जो मेन आपके ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में एजुकेशन में काम कर रही है उसके साथ हम लोग लोगों के साथ भी जो है उसको वी ब्रिंगिंग देम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म ताकि वो एक एक अपने एंड पे भी अवेयरनेस कर सके उसमें आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसमें चाहे आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं आप चाहे उसमें सोशल मीडिया पर यूज करके अवेयरनेस कर रहे हैं आप उसमें अपने कॉन्टैक्ट यूज करके आप अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को एंगेज कर रहे हैं आप फंड रेज कर रहे हैं ताकि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता पाकिस्तान में एजुकेशन का तो जो बच्चे और बच्चियां और बच्चियां स्पेशली जो इस वक्त सफर कर रही हैं तो उनको जितनी हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हम करें और हमारा मेन एम यही होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो अपने जो उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरा करें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के साथ काम करने की जरूरत है उसमें पॉलिसी लेवल पे काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट की आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत जरूरत है कि उस पर काम किया जाए गवर्नेंस पे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो ये दो चीजें जो है आप ये समझें कि आप एक इमीडिएट इंटरवेंशन और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इंटरवेंशन की आप जरूरत है जो दोनों साइड बाय साइड चलने की जरूरत है बहुत शुक्रिया आपके दोनों इन पर काम होंगे तो अगले जी जी फजर बहुत बहुत आपका शुक्रिया मैं बहुत टाइम की कमी है वरना दिल चाह रहा था कि आपसे मजीद
مزید آپ کی بات کرتی ہوں آپ سے. انشاءاللہ جو ہے آپ کو میں رحمت دیتی رہوں گی آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی, تاکہ میں چاہتی ہوں کہ اویئرنیس بڑھے اور اوورسیز پاکستان پاکستانی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے وہ ضرور کریں. بہت بہت شکریہ فجر آپ کا, ایک بار پھر تہ دل سے میں آپ کی مشکور ہوں. بہت شکریہ, خدا حافظ. جی تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ فجر رابعہ پاشا جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں, پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے خاص طور پر ٹائم نکالا اور بہت ساری ہمیں انفارمیشن دی ہے, بہت ساری ہمیں پرسنٹیجز بتائی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں لڑکیوں اور لڑکوں کی بھی بلکہ ایجوکیشن کا جو معیار جو ہے وہ بڑھنے میں کون کون ہیلپ کر رہا ہے, گورنمنٹ اس کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے. ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر, بریک بعد ان شاء اللہ واپس آئیں گے, ہم آپ کی فون لائن جو ہیں وہ بھی کھول دیں گے تاکہ آپ بھی اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کر سکیں اور ہم دیکھ سکیں کہ ہم اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان میں ایجوکیشن کا معیار بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے پر, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد.